लाख ले लाख सुनो दी प्लेट काट के नमस्कार दोस्तों, बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सीधी तस्वीरें निगम की बड़ी कार्रवाई की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टैक्स ना भरने वालों के लिए बार बार चेतावनी भी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग टैक्स नहीं अदा कर रहे हैं। और आज गाज जो है वो मॉडल टाउन इलाके में गिरती हुई नज़र आ रही है। लोगों को बार बार आगाह किया जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए, लेकिन लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रहे हैं, नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं। और उसका अंजाम आप देख सकते हैं कि दुकानें सील की जा रही हैं मॉडल टाउन इलाके में। आज निगम की बड़ी कार्रवाई इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली दुकान जो है वो सील कर दी गई है, और उसके बाद लगातार कार्रवाई निगम की जारी है। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरें शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने भी अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है तो आप समय रहते उसे भर दीजिएगा, नहीं तो इस तरह से आपका जो कामकाज है उस पर ताला लग सकता है, उस पर सीलिंग निगम की लग सकती है। प्रॉपर्टी मालिकों ने समय रहते टैक्स नहीं भरा, नोटिस नहीं जो है उन पर गौर नहीं किया, और उसके बावजूद निगम की टीम ने जब जब टैक्स के लिए अपील की है तो टैक्स की बातों को इग्नोर किया गया है। और उसी का नतीजा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से नगर निगम की टीम सीलिंग करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। अम्बाला शहर में लगातार अब नगर निगम की टीम सीलिंग करती हुई नज़र आ रही है। शहर में पूरे शहर भर की अगर हम बात करें तो निगम जितना भी एरिया है वहाँ वहाँ जो प्रॉपर्टी टैक्स ना चुकाने वाले लोग हैं उन पर इस तरह ही कार्रवाई की जा रही है। लगभग 3 लाख के करीब जो है वो इनका टैक्स बकाया बताया जा रहा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, ये दो दुकानें, पहली दुकान ये है और दूसरी ये दो दुकानें सील कर दी गई हैं। ये एक केमिस्ट शॉप है जिसे सील किया गया है, और सीधे तौर पर प्रॉपर्टी मालिक ने टैक्स नहीं भरा था, लेकिन केमिस्ट शॉप जो है वो उनका कामकाज यहाँ पर ठप हुआ है। तीसरी दुकान की सीलिंग भी यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है, तो 3 दुकानें यहाँ पर बड़ी सील की जा रही हैं। लाइव तस्वीरें शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो देख सकते हैं आप कि जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है अब उन्हें नगर निगम किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आपने भी टैक्स नहीं भरा तो समय रहते ज़रूर भरिएगा, नहीं तो इसी तरह की सीलिंग की कार्रवाई जो है आपके कामकाज, आपके व्यवसाय, आपकी प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त मॉडल टाउन इलाके से आपको दिखा रहे हैं। पहले भी लगातार नगर निगम की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो हम आपको दिखाते आए हैं। नगर निगम लगातार इस तरह की बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर निगम के जो नोटिस हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, और बावजूद समय जो दिया जाता है उसके बावजूद भी टैक्स नहीं चुका रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी इसी तरह से सील की जाएगी। तो आप लोगों से बार बार यही अपील है कि अगर नहीं टैक्स आप लोगों ने भरा है तो समय रहते भरिएगा, अन्यथा इस तरह की सीलिंग जो है वो आपकी प्रॉपर्टी पर भी हो सकती है। फिलहाल ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तीसरी दुकान है। तो बड़ी खबर इस वक्त अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक साथ 3 दुकानें फिलहाल यहां पर सील कर दी गई हैं, और फिलहाल नगर निगम की टीम जो है लोगों के साथ यहां पर बातचीत करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अधिकारियों का कहना है? कर लो, प्रॉपर्टी टैक्स दुकानदारों ने नहीं भरा, सील कर दी गई है। कितना टैक्स बकाया था? प्रॉपर्टी टैक्स इनका लगभग 4 लाख के करीब बकाया है जो इन्होंने नहीं भरा है, सील की है। और मेरा अनुरोध है लोगों से कि अपना प्रॉपर्टी टैक्स जिन्होंने नहीं भरा है वो जल्द से जल्द नगर निगम कार्यालय में जमा करवाएं, अन्यथा ऐसे ही सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी आगे भी। वीक में 2 दिन हमने रखे हैं सीलिंग के लिए, अगर लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो हम सीलिंग की कार्रवाई। सर, नोटिस देने के बावजूद भी जो है लोग हल्के में लेते हैं? लगभग 1 महीने से इनको नोटिस दे रखा है, इन्होंने कोई उस पर गौर नहीं की, कोई फिर आज इनकी सीलिंग की है। कितना टैक्स बकाया था इनका? 3,92,000 समथिंग बकाया है। तो बिल्कुल ये 3 दुकानें सील की गई हैं यहाँ पर अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी चेतावनी भी है ये उन लोगों के लिए क्योंकि इस प्रॉपर्टी का 3,92,000 करीबन जो पूरा टैक्स है वो बकाया बताया जा रहा है, तो इन्होंने नहीं भरा था, उसके बाद
निगम ने नोटिस भी भेजे हैं और अब ये दुकानें सील कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर दे रहे थे। अगली क्या कुछ कार्रवाई होती है नगर निगम की वो भी ज़रूर आपको दिखाएंगे, लेकिन तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहिएगा।